दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी पाकिस्तान की मशहूर अदाकार और अदाकाराओं के बारे में जिन्होंने एक साथ इतना ज़्यादा अरसा तो नहीं गुजारा लेकिन अभी भी वो एक दूसरे के साथ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के ऐसे जोड़ों की जिन्होंने शादी की लेकिन वो शादी ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चल सकी और उसके बाद अलहदा हो गए। लेकिन अलहदगी इख्तियार करने के बावजूद भी देखा जाए तो वो आपस में अच्छा रिलेशनशिप रखे हुए हैं। तो दोस्तों मज़ीद डिटेल जानने के लिए जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार सी लेटेस्ट वीडियो आसानी के साथ मिलती रहे। तो दोस्तों अगर बात कर ली जाए फिज़ा अली पाकिस्तान की बहुत अच्छी मॉडल भी हैं, होस्टिंग भी करती हैं, ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं, साथ ही साथ बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग भी करती रही हैं और करती रहेंगी। उनका कहना यही है, सिंगिंग भी काफ़ी टाइम से कर रही हैं और उनकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर उनके और उनके यानी के एक्स हस्बैंड फवाद की बात की जाए तो दोस्तों फिज़ा अली ने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया था तो उसके कुछ कम अरसे के बाद ही उसने शादी का इरादा कर लिया था एक बहुत बड़े बिजनेस मैन यानी के फवाद के साथ। फिर उनकी शादी इतने अरसे तक तो नहीं चल सकी लेकिन उसकी एक बेटी बहुत प्यारी है फरियाल फवाद, जिसकी वजह से इन दोनों मियां बीवी का अभी भी बहुत अच्छा एहतराम वाला रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप है। यानी कि इस बारे में फिज़ा अली का भी यही कहना है कि बेशक हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं लेकिन हम एक दूसरे की वैसे ही रिस्पेक्ट करते हैं जिस तरह से पहले करते थे। यानी कि वो अभी भी मिलते हैं, बात भी करते हैं सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ताकि उसके मुस्तकबिल पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जबकि दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर बात जाए पाकिस्तान की काफ़ी टैलेंटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं जवेरिया आबासी ने अपनी फील्ड का आगाज़ बहुत ही कम एज से स्टार्ट कर दिया था लेकिन उन्होंने बहुत से स्टेज ड्रामास में भी काम किया, साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग भी की, शूट्स भी किए, छोटे छोटे कमर्शल्स में भी काम किया। आहिस्ता आहिस्ता ड्रामास की तरफ आए, ड्रामास में इन्हें काफ़ी शोहरत मिलने लगी। फिर इन्होंने पाकिस्तान के एक बहुत ही टैलेंटेड अदाकार यानी कि शामून अब्बासी के साथ शादी कर ली। काफ़ी टाइम इन्होंने एक हैप्पी लाइफ गुजारी। फिर इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी बेटी पैदा हुई। उसके बाद इन दोनों के रिलेशन में कोई ना कोई दरार आई जिसकी वजह से इनका रिलेशन ख़त्म हो गया। जवेरिया अब्बासी का कहना ये है कि बेशक हमारा रिलेशन ख़त्म हो गया लेकिन अब भी हम एक दूसरे की इज्जत वैसे ही करते हैं जिस तरह से पहले किया करते थे। यानी कि ये फैसला हम दोनों का था मिलकर के हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते लेकिन हम अपनी बेटी की परवरिश मिलकर ही करेंगे। इसलिए उन दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया लेकिन अलहदगी के बावजूद भी वो एक दूसरे से मिलते हैं, बात भी करते हैं। यानी कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे के लिए नेगेटिव अल्फाज यूज़ नहीं किए या एक दूसरे को ऊपर इल्ज़ाम लगाकर एक दूसरे को बुरा भला नहीं बोला। शामून अब्बासी भी पाकिस्तान के बहुत ही फेमस अदाकार है जबकि जवेरिया अब्बासी भी अभी तक भी ड्रामास में काम कर रही हैं और इनकी अदाकारी को काफ़ी पसंद किया जाता है। जबकि जवेरिया अब्बासी की बेटी भी अब ड्रामा इंडस्ट्री में आ चुकी हैं, वो भी काफ़ी ड्रामास में काम कर चुकी हैं, लोगों ने इन्हें काफ़ी प्यार और मोहब्बत दिया, इज्जत और एहतराम भी देते हैं। जवेरिया अब्बासी का कहना यह है कि आपके रिश्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ आपने कभी भी एक दूसरे को ऐसे अल्फाज से नहीं बुलाना या एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाना, हमेशा एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जबकि दोस्तों अगर तीसरे नंबर पर बात की जाए पाकिस्तान का बहुत ही ब्यूटीफुल कपल रह चुका है, काफ़ी तारीफें और इज्जत भी बटोर चुके अपने फैंस की तरफ से, यानी कि उर्वा हुसैन और फरहान सईद को काफ़ी पसंद किया गया। इन्होंने अपनी शादी को बहुत ही धूमधाम अंदाज से मनाया और उसके बाद फिर दोनों अपनी फील्ड से थोड़े अरसे के लिए गायब हो गए, यानी कि एक साथ वक्त गुजारा उन्होंने और सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते थे जिनकी वजह से इन्हें हमेशा हैप्पी देखा गया। लेकिन फिर इनकी तरफ से सुनने में ये आया कि उर्वा हुसैन और फरहान सईद के दरमियान अलहदगी हो रही है
लेकिन इसकी वजह कोई भी अभी तक अच्छी तरह से नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उनकी कुछ मूवीज भी आई, उनके ड्रामास भी उन्हें एक साथ देखा गया, बल्कि मेरी शहजादी उर्वा हुसैन का ड्रामा हम पर आ रहा है, इसमें भी फरहान सईद को एक इनके साथ देखा गया। जबकि ये भी कन्फर्म है कि अभी तक फरहान सईद और उर्वा हुसैन में डिवोर्स नहीं हुई है, बल्कि इन्होंने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया हुआ है, लेकिन एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रहते, अलग रहते हैं। लेकिन इन्हें शोज़ में देखा गया जब ये अपनी मूवी की प्रोमोटिंग के लिए आए शोज़ वगैरह में, तो इन्हें एक साथ देखा गया हंसते मुस्कुराते हुए। यानी ऐसा फील हो रहा है कि इनके रिलेशन में दोबारा बहाली आ रही है, और इसका भी यकीन है शायद अब ये दोनों एक साथ दोबारा से रहने लगे, क्योंकि इनके फैंस को इनका कपल बेहद पसंद है और करते भी हैं, और वो यही चाहते हैं कि इसी तरह एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते रहें, एक दूसरे से बिल्कुल दूर ना जाएं, एक दूसरे से अलग ना रहें, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत भी देते रहें। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उर्वा हुसैन और फरहान सईद की जोड़ी भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगती है, एक साथ एक दूसरे के साथ इनका रहना इनके फैंस को बेहद पसंद है। जबकि दोस्तों बात की जाए सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी की, तो दोस्तों इन दोनों की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जाता रहा। इन्होंने एक साथ ड्रामे में काम किया, फिर एक दूसरे को पसंद किया, पसंद करने के बाद बहुत जल्द ही एक दूसरे से शादी कर ली। जबकि इनकी जोड़ी को भी बेहद प्यार और मोहब्बत दी, इनके घर वालों के दरमियान भी काफ़ी अच्छी रिलेशंस रहे। फिर इनके एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बेटी हुई, बेटी के साथ भी इन्होंने काफ़ी टूर भी किए, एक साथ काम भी किया, अपनी सोशल मीडिया फैंस के साथ वीडियोस तस्वीरें भी शेयर करते रहे। लेकिन बहुत टाइम से इनके फैंस ने इन दोनों को एक साथ नहीं देखा, जिसकी वजह से ये न्यूज़ भी, ये अफवाहें भी फैलने लग गई कि भाई सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी के दरमियान भी अलहदगी हो चुकी है, अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। जबकि इन दोनों ने अभी इस बारे में कोई बात अपने फैंस से नहीं शेयर की, ना ही सोशल मीडिया पर ऐसी कोई एक दूसरे के बारे में बात की जिससे उन दोनों के फैंस को ये पता चल जाए कि वाकई इन दोनों में अलहदगी हो चुकी है। लेकिन फिर अचानक से शहरोज सब्जवारी ने अपनी खामोशी तोड़ी और वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के सामने आए, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी बिल्कुल हमने अलहदगी का फैसला कर लिया है, लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल भी ब्लेम करना नहीं चाहते, हमने ये फैसला बिल्कुल मिलकर किया है, बेशक हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी हमें एक दूसरे से जोड़े रखेगी, हम इसी तरह एक दूसरे की इज्जत भी करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ काम भी करते रहेंगे। इसलिए गुज़िश्ता दिनों सायरा यूसुफ और शहरोज सब्जवारी को एक साथ देखा गया, इन दोनों की बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आ रही हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ हंस हंस के बहुत प्यार और मोहब्बत से बातें भी की जा रही हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर घुमा फिरा भी जा रहा है, जिसकी वजह से इनके फैंस को इन्हें एक साथ देखकर काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं हमेशा। अगर आखिर में बात की जाए सज्जल अली, यानी कि सज्जल अली जो कि पाकिस्तान की बहुत ही टैलेंटेड अदाकारा हैं, अगर इनके शोहर यानी कि एक्स हस्बैंड अहद रज़ा मीर की बात की जाए, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जितनी भी अदाकाराएँ हैं वो सब अहद पर ही मरती हैं। उनका कहना यह है कि अहद रज़ा मीर जैसा कोई अदाकार अभी तक इंडस्ट्री में नहीं आए, यानी किसी ने इंट्री की ही नहीं, यानी कि अहद रज़ा मीर की इतनी तारीफें की जाती हैं। जबकि सज्जल अली भी बेहद फेमस है और अहद रज़ा मीर भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन दोनों ने मिलकर ये फैसला किया शादी कर ली जाए। 2020 में इन दोनों ने शादी की, 2022 में इन दोनों ने अलहदगी का फैसला कर लिया। क्यों, कैसे, क्या हुआ, इन दोनों की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही अहद रज़ा मीर ने इस बारे में कोई बात की और ना ही सज्जल अली ने इस बारे में कुछ कहा। लेकिन अदाकारों की तरफ से और उनके फैंस की तरफ से ऐसी बेशुमार बातें होने लगी, जिसकी वजह से इनके फैंस को बिल्कुल कन्फर्म हो गया कि अब अहद रज़ा मीर और सज्जल अली एक दूसरे के साथ नहीं हैं और ना ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि इन दोनों को ये भी देखा गया अलहदगी के बाद अहद रज़ा मीर भी बाहर गए, उन्होंने मूवी भी बनाई, और सज्जल अली भी बाहर गई, इंडिया में भी इन्होंने मूवी बनाई, साथ ही साथ इन्होंने
बाहर जाकर दूसरे ममालिक में भी मूवी बनाई। उसके साथ ही साथ बिलाल अब्बास के साथ ड्रामा भी आजकल कर रही हैं, कुछ अनकही सी, जिसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है ARY डिजिटल का। लेकिन उनके फैंस को ये कंफर्म हो चुका है कि इन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो चुकी है। अब इन दोनों के दरमियान कोई भी ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमेशा की तरह करते हैं जैसे पहले करते थे। सज्जल अली का तो अपने एक शो में ये भी कहना था कि अगर हमें मौका मिला तो हम एक साथ काम भी ज़रूर करेंगे, हमें इस चीज़ में कोई एतराज़ नहीं है, कोई गिल्टी नहीं है। इंसान एक साथ रहता है लेकिन अगर उसे समझ नहीं आती तो वो अलहदगी का फैसला कर ही लेते हैं। लेकिन इस पर इससे हमारी जो इज्जत है वो कम नहीं हुई और ना ही एक दूसरे के लिए वो दोस्त वाला जो रिश्ता है वो कम हुआ, बल्कि वो बरकरार ही है।